गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ के लिए एक मैथ है, प्रैक्टिस टाइम 3.1। प्रीवियस क्लास में भी ऐड और सब्सट्रैक्ट बताया गया था, लेकिन इस लेसन में भी कुछ ऐड और कुछ सब्सट्रैक्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐड द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है कि 2/3, -2/3, -1/6, -8/15। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये फ्रैक्शन का सॉल्व है। यहाँ पर 2/3 +1/6 +-8/15। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इस प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम सीधा करते हैं, 2/3 -2/3 +1/6 -8/15। अब यहां पर हम देखते हैं 3, 3, 6, 15, ये सबका हम एलसीएम निकालेंगे। आप देखेंगे यहां पर 3, 3, 6 और 15, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 5। अब यहां पर कोई कटने वाला नहीं है, तो 5 2 10, 10 3 30। तो यहां पर जो एलसीएम हमने निकाला वो निकाला 30। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 times 10 2 20। माइनस का साइन है, वही कंडीशन, यहां भी 20। और 6 5 30 5 1 5, यहां पर प्लस होगा और 5 होगा। फिर उसके बाद माइनस का साइन होगा, 15 2 8 2 16। अब इसका करेक्ट आंसर होगा 20 -20 +5 -16। यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 और 20 ये दोनों प्लस माइनस में, ये 0 हो जाएगा, और 5 में से 16 को घटाएंगे तो -11/30, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहला है इसमें 17/15 from 0, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम यानी 0 में से 17/15 को लेस करते हैं, यहां लिखते हैं 0 -17/15। तो 0 में से किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लेस करते हैं तो उसका आंसर -17/15 ही होगा। अब थोड़ा सा इससे अलग हट करके कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 2/3 from -2/3। तो -2/3 माइनस के साइन देंगे और फिर यहाँ 2/3, वही कंडीशन, जो फ्रैक्शन का ऐड है या सब्सट्रैक्ट है, एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3 और यह -2 -2, इट मींस -2 -2 -4/3, इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहां पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है -6 from -3/11, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा ये डिफर है। तो यहां पर आप देखते हैं कि -3/11 और माइनस का साइन देते हैं और फिर लिखते हैं -6 -6। अब यहां पर -3/11 और -+6 यानी 6/1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 11 होगा और यहां पर -3 होगा और प्लस यहां वाले 11 11 6 66। और 66 में से -3 को लेस कर देते हैं तो होता है 63/11, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। फिर उससे थोड़ा सा और क्रिटिकल एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, 5 नंबर और 6 नंबर। तो यहां पर 5 नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 1/5 from the sum of 8/5 and 6/7। यहां पर
1 by 5 को 8 by 5 plus 6 by 7 से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कंडीशन है 1 by 5 फ्रॉम, अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, 8 by 5 plus 6 by 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम 8 by 5 प्लस 6 by 7 को ब्रैकेट में रन देते हैं और इसमें से माइनस करते हैं 1 by 5। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करते हैं, यहां पर 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 35 हुआ, 5 7 जा 35 और 7 8 जा 56 प्लस 7 5 जा 5 6 जा 30। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस 1 बाई 5 करते हैं, फिर 56 और 30 को ऐड करते हैं तो यहां हो जाएगा 6 8 86 बाई 35 माइनस 1 बाई 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 35 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 35 होगा और 35 में 35 से डिवाइड करें 1 और 1 में 86 से मल्टीप्लाई करेंगे 86 माइनस 5 7 जा 7 1 जा 7। यहां पर 86 में से 7 को लेस करते हैं तो होता है 79 बाय 35, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से 6 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अपोजिट में है कि सम को पहले कर देते हैं और फ्रॉम माइनस 11 बाय 6 को बाद में करते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला जो फ्रैक्शन है माइनस 11 बाय 6 को पहले लिखते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और 1 बाय 2 प्लस 4 बाय 3 को करके हम सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर निकल जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और आप चाहें तो इसे वापस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके चेक भी करवा सकते हैं। ये होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल देंगे।